या अदर स्टार के साथ, जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिले? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। वो नेपाल की जो लड़की, बस सही समझा। अरे वो नेपालिया ये कह रहे हैं, देखिए कोई भी आदमी हो स्कूल में एडमिशन करने जा रहा है, अगर टीचर को नहीं पहचाने, स्कूल का नाम नहीं जाने, तो वो अच्छा स्टूडेंट नहीं। ऐसे ही बुकिया आई है भोजपुरी में, तो ये बुकिया को, भोजपुरी के मोहम्मद रफी को अगर नहीं जानती है तो भोजपुरी में कहां से कुदू गिरे बुकी। मेरे मामा का लड़का जिसने मेरे विक्की सिंह, मेरे तो छोटे हैं लेकिन मैं अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूँ उनको। झूठ बोल रहा है, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, और ऑलरेडी मुझे मीठा पान खिलाया है, मैं खाया हुआ हूँ, ये देखिए जनता ये जर्दा खिला रहा है। इनसे मिलिए, सब लोग जानते होंगे आप लोग इनको, इनका नाम है एक किसी परिचय के किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम है अमित सिंह। हाय किया पब्लिक को, जनता को, इनका गाना रिलीज हुआ है भैया का एक, कौन नाम है सटा शुभ लाभ से गाना आया है इनका, जिस गाने का नाम है साटा के पैसा, उसको आप लोग प्यार आशीर्वाद दें। और एक बहुत ही जल्द 2-3 दिन के अंदर एक गाना आ रहा है, वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। इससे जी पवन जी का आप लोग उसको प्यार दें, आशीर्वाद दें, और ऐसे ही प्यार अपना बना रखें। नमस्ते प्रणाम। मेरा चैनल आपको चैनल थोड़ी है यार, इतना बात कर ले, मेरे चैनल चला हमको देखेगा लोग, क्या आपको देखेगा यार, यही सब तो जाएगा। देखिए हम अगर जुड़ गए, कह रहे हैं काटने के लिए, बट मैं नहीं काटूंगा आज, हम लोग बहुत, मैं पहली बार पान खाया हूँ। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है जनता आपको ये बताए, चैनल भले इनका है लेकिन आज हम जुड़ गए तो हमको उम्मीद है कि अब इनका चैनल रियल में सक्सेस होगा। इतना नहीं सक्सेस होगा, ठीक है हमको पता है, बल्कि श्रोता हम लोग का इंतजार कर रहा था। ये तो भाई पान बहुत अच्छा लगा, पान इनको, इन लोग का आज मैंने पान खिलाया बनारस का, क्योंकि मैं बनारस का निवासी हूँ, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, मेरा हक बनता है कि अगर ये लोग यहाँ पे आए तो मैं इनकी देखभाल करूँ। पैसा हम लोग से पान कर, पान इतना बड़ा था कि इनका मुंह छोटा पड़ गया था। भले पैसा पान का हम लोग से लिए हैं, वो बात की बात है, झूठा खामा झूठ, एकदम झूठ। पैसा ये लिए नहीं है लेकिन लेंगे ऐसा लगता है, क्यों कि आज तक कोई फ्री में ही आदमी काम नहीं किया। और बताइए, वो जो लड़की सौम्या पोखरेल है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? नहीं, वो तो लोग बोल ही गए हैं, सुनो। नहीं, थोड़ा मुद्दे पे आइए, सौम्या पोखरेल, वो सौम्या पोखरेल है जो, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अरे वो जो भैया के बारे में कुछ बोली थी, वो नेपाल की जो लड़की, बस सही समझा। अरे वो नेपालिया ये कह रहे हैं, देखिए कोई भी आदमी हो स्कूल में एडमिशन करने जा रहा है, अगर टीचर को नहीं पहचाने, स्कूल का नाम नहीं जाने, तो वो अच्छा स्टूडेंट नहीं। ऐसे ही बुकिया आई है भोजपुरी में, तो ये बुकिया को, भोजपुरी के मोहम्मद रफी को अगर नहीं जानती है तो भोजपुरी में कहां से कुदू गिरे बुकी। पहले जाकर बुकिया कोर्स कर, पहले पढ़ाई करो कि भोजपुरी में किसने इतिहास रचा है, कौन कौन बेस्ट सिंगर है, कौन बेस्ट एक्टर है। गुमबोकी अपना हिट होने के लिए है करने से जाने से पहले, सबसे पहले थोड़ा 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 इनका भी सुनिए। स्कूल जाने से पहले, पहले बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन कराने से पहले पहले माता जी का नाम, पापा जी का नाम, घर का नाम, गांव का नाम, जिला कहाँ है, ये सारी चीज जानकारी लेनी पड़ती है। वाह, ये अकेले बुकिया पूरा नेपाल का नाम तुम हंसवा रही है, जानती है सब नेपाली को लोग गुरबक बोलने लगेगा तुम्हारे शोर से। इसी वाट पे पान खाइए, खिला रहे हो गुलाब। देखिए यहाँ पे कोई जाति वाति की बात नहीं है, ना ही किसी जगह की बात है, हम लोग हर जगह के साथ मिलजुल के रहते हैं, हर जगह के लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये हमारे भाई हैं,
इनको हम लोग प्यार से लामा बाबू बोलते हैं। इनसे बात कीजिए, ये भी वहीं के हैं जहाँ से वो पोखरा नाला है। तो बताइए जरा उनके बारे में कुछ बोली जरा, वो जो भैया के लिए कुछ बोली थी, कुछ टिप्पणी की थी कि मैं नहीं जानती हूँ, कुछ बोलना चाहेंगे? अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं, किसी बात को लेकर टेंशन में है, तो अभी नहीं बात करना चाहते हैं। उनके तरफ से वापस ये रीड करते हैं। उनके कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी बेवकूफ है, उसको अभी बहुत कुछ समझना सीखना बाकी है हाईलाइटेड होने के लिए, किसी भी हद तक नहीं गिरना चाहिए, ये वो समझाना चाह रहा है उसका फेस। बस यही बात हम सब समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसीलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं। वाह वाह, रंग का भंग। ये हमारे गुड्डू भैया हैं, बहुत चाहे थे ये बताएंगे, ये अपना व्यू देंगे पोखरा नाला के बारे में। बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? कौन है पोखरा नाला? जिन्होंने कुछ बोला है, कोई टिप्पणी की है उनके बारे में, भैया के बारे में? मैं वैसे लड़कियों के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, और पवन जी तो ऐसे ही सुपरस्टार हैं, उनको कौन नहीं जानता है, और उनके विषय में बोलना या उनके विषय में चर्चा करना छोटी बात होगी। वो अपने आप में बहुत बड़े कलाकार हैं, और वो खरा पोखरा के चक्कर में पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। और किसी विषय में कुछ? बस बस बस, आपके मन में है अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा इंसान है? कोई नहीं, इसके बारे में आप बोलना चाहते हैं? वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया के आगे कोई टिकने वाला है नहीं, ऐसा कोई इंसान, इसके बारे में बात किया जाए। पवन जी के आगे सब बेकार है सर, पवन जी के आगे सब बौने साबित हो जाएंगे, कोई नहीं।